हे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। आज के लेक्चर सीरीज़ में आज हम वोकैबुलरी लर्न करने का लेक्चर नंबर 8 देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है इम्प्यूट। इम्प्यूट का मीनिंग होता है रिप्रेजेंटिंग समथिंग, स्पेशली समथिंग अनडिजायरेबल एज बीइंग डन आर पोस्ट बाय समवन। मीन्स कोई हुए गलत कार्य की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति के ऊपर लगाना इम्प्यूट कहलाता है। इसका हिंदी मीनिंग होता है मढ़ना, आरोप लगाना, नामोशी करना, अध्यारोपण करना। इसका साइनोनिम्स होता है एस्क्राइब, माउंट, इम्पोज, गिल्ड, फ्रेम, रिक्रिमिनेशन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनुंडेट। इनुंडेट का मीनिंग होता है टू क्विकली फिल अप, मीन्स किसी चीज़ का जल्दी से फिल हो जाने का प्रोसेस इनुंडेट कहलाता है। इसका हिंदी मीनिंग होता है पाट देना, पाटना, पूर लाना, जल प्रवाहित करना, बाढ़ लाना। इसका साइनोनिम्स होता है समर्ज, वाटर लॉग, डिल्यूज, सफ्यूज, समर्ज। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एवर्स। एवर्स का मीनिंग होता है हैविंग ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक ऑफ और अपोजिशन टू समथिंग, मीन्स किसी चीज़ को लेके आप कुछ ज़्यादा ही डिसलाइक हो या किसी चीज़ के आप ज़्यादा ही विरुद्ध हो, तो उस वहाँ पे हम एवर्स यूज करते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रतिकूल, विरुद्ध, उल्टा। इसका सैनोनिम्स होता है अगेंस्ट, कंट्रेरी, रिपुगनेंट, एवर्स, कंट्राडिक्टरी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है निम्बल। निम्बल का मीनिंग होता है क्विक एंड लाइट इन मूवमेंट आर एक्शन, मीन्स जो बहुत फास्ट कोई कार या मूवमेंट करता है तो उसके लिए हम निम्बल वर्ड यूज करते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है चतुर, चुस्त, चालाक, तेज, चतुर। और इसका साइनोनिम्स होता है स्मार्ट, क्लेवर, विवेसियस, शिफ्टी, एजिल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अनरिस्ट्रेंड। अनरिस्ट्रेंड मीन्स नॉट रिस्ट्रेन आर रिस्ट्रिक्शन, मीन्स जिसपे कोई रिस्ट्रिक्शन या बाधा ना हो उसके लिए हम अनरिस्ट्रेन वर्ड यूज करते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है अनर्गल, बेसब्र, असहमित। इसका साइनोनिम्स होता है इनटेम्परेट, इनकॉन्टिनेंट, अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड। तो हम सारे वर्ड को एक बार फिर से रिवाइंड कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है इम्प्यूट। इम्प्यूट का मीनिंग होता है कोई हुए गलत कार्य की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति के ऊपर लगाना। नेक्स्ट वर्ड है इनंडेट। इनंडेट का मीनिंग होता है टू क्विक फिल अप, मीन्स कोई चीज़ जल्दी से फिल हो जाना, भर जाना। एवर्स का मीनिंग होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डिसलाइक करना या किसी चीज़ का ज़्यादा ही विरोध करना। निम्बल का मीनिंग होता है कि कोई ज़्यादा ही तेज हो या कोई कोई बहुत तेज ही किसी काम को परफॉर्म करता हो, उसके लिए हम निम्बल यूज करते हैं। अनरिस्ट्रेन का मीनिंग होता है जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, बेलगाम व्यक्ति के लिए हम अनरिस्ट्रेन वर्ड यूज करते हैं। सो आई होप आप लोग को ये 5 वर्ड लर्न हुए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय।